बेल पेपर में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वेज मसाला इडली। ये बहुत हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। ये वेज इडली हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगी और आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इडली की तैयारी कर लेते हैं। मैंने ली है 1 कप सूजी। इसे छान कर साफ कर लिया है। इसमें मिलाएंगे 1 कप दही। जितनी सूजी लेनी है उतनी ही दही लेनी है। दही को मैंने फेंट लिया था। इसमें मिलाएंगे स्वाद के अनुसार नमक और इसे मिक्स कर लेंगे। अब दही में सूजी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सूजी मिक्स हो चुकी है। अब हम इसे ढककर लगभग 15 मिनट के लिए अलग रख देंगे। अब इडली के सांचे में थोड़ा सा तेल लगाकर अलग रख देंगे ताकि इडली निकालने में आसानी हो। 15 मिनट हो चुके हैं। हमारी सूजी अच्छे तरह से फूल चुकी है और ये बहुत टाइट हो गया है। इसमें मिलाएंगे लगभग 1/4 से थोड़ा सा कम पानी। थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसे मिक्स कर लेंगे और ये देखिए हमारा इडली का मिक्सचर परफेक्टली बनकर तैयार हुआ है। अब इसमें मिलाएंगे 1/2 छोटा चम्मच खाने का सोडा। खाने का सोडा डालने से ये सॉफ्ट और स्पंजी बनती है। इसे मिक्स कर लेंगे। हमारा मिक्सचर सॉफ्ट हो चुका है और इसमें बबल आ चुके हैं। अब 1 बड़ा चम्मच सांचे में डालेंगे। इससे ज़्यादा मिक्सचर नहीं डालना है। ज़्यादा डालेंगे तो ये इडली फूलकर सांचे से बाहर आ सकती है। सभी सांचों में इसी तरह मिक्सचर डालेंगे। मैंने सभी सांचे तैयार कर लिए हैं। अब इसे अरेंज करेंगे और ऊपर से लॉक कर देंगे। मैंने कुकर में 1 गिलास गर्म पानी उबलने के लिए रख दिया था। पानी उबल चुका है। इसमें रखेंगे इडली का स्टैंड। इसे ढककर 15 मिनट के लिए लो टू मीडियम हीट पर पकाएंगे। मैंने सीटी नहीं लगाई है। अब काट लेते हैं शिमला मिर्च। शिमला मिर्च में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमें अनेक बीमारियों से बचाते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के होता है। सबसे पहले येलो शिमला मिर्च काट लेते हैं। इसके लंबाई में छोटे टुकड़े करेंगे। येलो शिमला मिर्च में विटामिन सी ग्रीन शिमला मिर्च से डबल मात्रा में होता है। अब रेड शिमला मिर्च काट लेते हैं। रेड शिमला मिर्च में विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसमें भी विटामिन सी ग्रीन शिमला मिर्च से डबल होता है। अब हम ग्रीन शिमला मिर्च काट लेते हैं। हम इसमें जितनी कलरफुल सब्जी डालेंगे ये उतनी ही ज़्यादा हेल्दी बनेगी और उतनी ही इसमें विटामिन की मात्रा बढ़ेगी। अब पत्ता गोभी काट लेते हैं। मैंने एक मीडियम साइज की पत्ता गोभी ली है और मैं इसमें से आधी पत्ता गोभी डालूंगी। इसे पतले और लंबे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसके छोटे टुकड़े कर लेंगे। हमें पत्ता गोभी शिमला मिर्च से डबल डालनी है। ये अनुपात होना चाहिए इसका। अब डालेंगे 1 मीडियम साइज की गाजर। मैंने गाजर को पतले और छोटे टुकड़ों में काट लिया है। हमारी सभी सब्जियां कटकर तैयार हैं। गाजर, येलो शिमला मिर्च, ग्रीन शिमला मिर्च, रेड शिमला मिर्च और पत्ता गोभी। 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी इडली बनकर तैयार है। जैसे ही ये थोड़ी ठंडी होती है हम इडली को सांचे से बाहर निकाल लेंगे और ये देखिए बहुत सॉफ्ट इडली बनकर तैयार हुई है और बहुत स्पंजी है ये। अब इडली को 4 टुकड़ों में काट लेंगे। सभी इडली को इसी तरह तैयार करेंगे। हमने सभी इडली काट कर तैयार कर ली है। मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा दिया है। इसमें डाला है 1 बड़ा चम्मच तेल, 1 छोटा चम्मच सरसों के दाने, 10 से 15 करी पत्ते, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च कुटी हुई। काली मिर्च का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। ये तीखी नहीं होती, इसका कलर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें पत्ता गोभी डालकर मिक्स कर लेंगे। कुछ देर फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम कम ही रहेगी। अब इसमें मिलाएंगे कटी हुई गाजर। गाजर डालकर इसे एक बार और मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे ढककर लगभग 1.5 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। सब्जियां इतनी पकानी है कि ये ज्यादा ना गलें और इसमें क्रंच बना रहे। थोड़ी सी गलनी चाहिए। इसमें मिलाएंगे मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज। प्याज को मैंने लंबे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसमें मिलाया है नमक स्वाद के अनुसार। इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हरी शिमला मिर्च,
और इसे एक बार और मिक्स करेंगे। रेड और येलो शिमला मिर्च हम बाद में डालेंगे क्योंकि वो बहुत जल्दी गल जाती हैं। इसे ढककर एक मिनट के लिए पकाएंगे। एक मिनट हो चुका है, इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे येलो शिमला मिर्च, रेड शिमला मिर्च, इसे मिक्स कर लेंगे। हमारी शिमला मिर्च का कलर बना रहना चाहिए, इसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए। यदि हम इसे ज़्यादा गलाएंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसमें डालेंगे दो हरी मिर्च लंबाई में काट कर। अब इसमें डालेंगे कटी हुई इडली। इडली डालकर इसे एक बार और मिक्स कर लेंगे। आपको मेरा ये वेज मसाला इडली बनाने का तरीका कैसा लगा जरूर बताएं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे ढककर एक मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि सभी मसालों का फ्लेवर इडली में अच्छी तरह से आ जाए। इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया लगभग एक बड़ा चम्मच। हरा धनिया डालकर इसे मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। ये वेज मसाला इडली बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। इसे चाहें तो नाश्ते में खाएं, डिनर में खाएं, इसे लंच बॉक्स में पैक कर सकते हैं और ये सभी को बहुत पसंद आती है। और ये देखिए हमारी वेज मसाला इडली बनकर तैयार है, बहुत अच्छी बनी है। यदि रेड येलो और ग्रीन शिमला मिर्च का कलर ब्राइट है इसका मतलब है इसमें सभी विटामिन्स हैं, यही इसकी खूबसूरती है। अब हम इसमें मिलाएंगे एक बड़ा चम्मच नींबू। जब भी नींबू मिलाएं गैस की फ्लेम बंद कर दें क्योंकि नींबू को पकाने से उसका विटामिन सी नष्ट हो जाता है और नींबू का जो स्वाद है वो कड़वा हो जाता है। ये हमारी वेज मसाला इडली बनकर तैयार है। ये वेज मसाला इडली देखने में जितनी खूबसूरत दिख रही है खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है और ये हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगी क्योंकि इसमें बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इसमें जो हमने रेड शिमला मिर्च, ग्रीन शिमला मिर्च और येलो शिमला मिर्च डाली है उसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। ये वेज मसाला इडली एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन से भरपूर है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपकी वेज मसाला इडली कैसी बनी हमें लिखकर बताएं। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।